टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के मलाड इलाके में एक बेकरी में केक और पेस्ट्री में ड्रग्स मिलाकर बेचने की खबर सामने आई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने जानकारी मिलते ही छापेमारी की और बेकरी से करीब 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक 20 साल की लड़की भी शामिल है। छापेमारी में 830 ग्राम भांग से बना हुआ केक और 35 ग्राम गांजा NCB ने जब्त किया है। NCB के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के अनुसार भारत में ये पहला मामला ऐसा सामने आया है जहां केक में ड्रग्स मिलाकर बेचा जा रहा था। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि आगे की जाँच जारी है। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय मार्ग पर ऑयल से भरा टैंकर और कंटेनर के बीच में जबरदस्त टक्कर के बाद आग लग गई। घटना सोमवार की सुबह 3:30 बजे के आसपास नाला सुपारा के पेल्हार फाटा के पास हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोनों गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर जख्मी हुए हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में ABP गंगा के संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। 2 दिन पहले ही श्रीवास्तव ने हत्या की आशंका जताते हुए उन्होंने प्रयागराज जोन के ADG को पत्र लिखकर शराब माफियाओं के हाथों हत्या होने की आशंका जताई थी, मगर वहीं सुलभ की मौत सड़क हादसा बताया जा रहा है। क्राइम की खबर कवर करके वापस लौटते समय बाइक पलट गई और सिर में चोट लगने की वजह से सुलभ श्रीवास्तव की मौत हुई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है, जबकि परिवार के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। एक शादी समारोह में पालतू हाथी ने जमकर तांडव मचाया है। सराय इनायत थाना क्षेत्र के अमलापुर में आई बारात में अचानक हाथी पागल हो गया और हालात ऐसे बिगड़ गए कि दूल्हे को भी उतरकर भागना पड़ा। बेकाबू हाथी उत्पात मचाता रहा, गाड़ियां तोड़ते रहा और पंडाल भी गिरा दिया। हालांकि 3 थानों की पुलिस को यहां पर बुलाना पड़ा और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हाथी को यहां से हटाया गया। कोरोना टेस्ट कराने के लिए पुलिस जैसे ही एक किसान को कहा, दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मामला MP के राजगढ़ का है, जहां पुलिसकर्मी ने एक किसान को नियम पालन न करते हुए देख उसे कोविड टेस्ट कराने के लिए जैसे ही कहा, किसान भड़क गया और दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वहीं पुलिस किसान को पकड़कर गाड़ी में बिठाई और इसे थाने लेकर चली गई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।